राजधानी दिल्ली में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यापारी की क्रिप्टो अकाउंट से मनी जो है वो हमास आतंकी संगठन के क्रिप्टो वॉलेट में चली गई। कैसे ट्रांसफर हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डीसीपी 100 यूनिट के पीएस मल्होत्रा जी मौजूद है। सीधे उनसे बात करते हैं। मल्होत्रा जी, जिस तरह से बात की जाए तो आतंकी संगठन के वॉलेट के अंदर पैसे ट्रांसफर हुए, क्रिप्टो करेंसी, क्या मामला है? दिल्ली के व्यापारी ने शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज की गई थी, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के सामने आया? देखिए, ये पूरा जो इंसिडेंट है 2019 का है, जिसमें एक क्रिप्टो वॉलेट से अनऑथराइज ट्रांसफर हुआ। कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट इसी मैटर में दर्ज करवाई कि उसके अकाउंट से जो उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं करी, वो उनकी पूरी करेंसी क्रिप्टो करेंसी मूव आउट हो गई। उस टाइम पे उसकी वैल्यू अराउंड 30 लाख प्लस थी, आज के दिन की अकाउंट 4.5 करोड़ है। तो इसी इन्वेस्टिगेशन का जब हमने लिंक एनालिसिस और ट्रेस करते गए, तो हमें एक सस्पिशियस वॉलेट मिला, जो कि वन ऑफ द वॉलेट था, हमस के साथ लिंक था। उसके लिंक्स से पता लगा कि ये पूरा जो एक्टिविटी हुई थी, ये आउटसाइड इंडिया से हुई थी। और फिर हमने दो सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, एक पैलेस्टीनियन नेशनल निकला और एक इजिप्शियन नेशनल निकला। वो फर्दर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दैट वी विल सी। और ये जो पैसा गया है और जिस तरीके से गया है, इसकी मूवमेंट, उसके अलावा कुछ ऐसी गैम्बलिंग एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पे भी जाना, तो वो सारा एक मैटर ऑफ कंसर्न था। हमेशा देखा जाता था कि हवाला के जरिए पैसे जो है वो ट्रांसफर हुआ करते थे, लेकिन अब पिछले दौर में देखा जाए तो डिजिटल जो पैसा है उसका लेन देन ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए तो हमस के अकाउंट में गया है, क्या एक खतरा है भारत के लिए जिस तरह से ये केस सामने आया है? ऐसे कुछ और केसेस भी सामने आ सकते हैं? देखिए, भारत के लिए खतरा नहीं, बिकॉज इसमें अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल का अकाउंट हैक हुआ है। अकाउंट हैक हुआ है, वो कैसे हुआ है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका डेटा या आपका जो प्राइवेट की है, आपने किसी ऐसी जगह सेव करी है जो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो देन डेफिनेटली वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आया है, कहीं ना कहीं इसकी प्राइवेट की इन लोगों ने एक्सेस करी है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, डेटा सेट्स जो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा सेट्स के थ्रू इन्होंने इस पे पहुंचे हैं। कुछ डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज हुई होंगी, वो पार्ट ऑफ फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन। लोग जो आपने पहचान की है ये कौन लोग हैं, उनकी प्रोफाइल के बारे में कुछ जानकारी मिली है आपको? प्रोफाइल तो अभी नहीं ज़्यादा बता पाएंगे, बिकॉज ये अभी वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड द सस्पेक्ट। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कि इंटरनेशनल लियाजन के थ्रू होगा, देन ओनली ये सामने आएगा कि ये सस्पेक्ट्स का क्या एग्जैक्ट रोल रहा और ये क्या करते हैं, और लेट्स सी हाउ हाउ द अदर एजेंसीज डार्क वेब रिएक्ट। का कोई एंगल निकल के सामने आया है इस केस के अंदर? डार्क नेट का डायरेक्ट एंगल तो नहीं कह सकते, बट यस, क्रिप्टो करेंसीज का मैक्सिमम यूजेज डार्क नेट पे होता है, क्योंकि डार्क नेट भी एक अनोनिमस प्लेटफॉर्म है। उसी अनोनिमस प्लेटफॉर्म की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए मोस्ट अनोनिमस जो मैकेनिज्म है, वो क्रिप्टो करेंसी है। बट डार्क नेट का ऐसे आता है, जब डार्क नेट पे कुछ लीक डेटाबेस आते हैं, कुछ जीमेल या ईमेल, कुछ अकाउंट्स जहाँ किसी के सिस्टम्स हैक होते हैं, कई बार वो डार्क नेट पे वो डेटा डंप जाता है। अब वो डेटा डंप बेचा जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं लिंक इसका डार्क नेट से है। बट डायरेक्ट लिंक इस केस का अभी इस्टेब्लिश डार्क नेट से नहीं होता, बट ओवरऑल क्रिप्टो एंड डार्क नेट में बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिक रिलेशन। इसराइल ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन की थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के सामने आया था? इसराइल की जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो हमस के क्रिप्टो अकाउंट्स के बारे में थी। उसमें ये अकाउंट एक प्रोमिनेंट अकाउंट था, और उसके अलावा उन्होंने और अकाउंट्स भी सीज और फ्रीज किए थे। तो वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे और इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, दैट इस पूरी एक्टिविटी में जो बेनिफिशियरी अकाउंट है वो हमस का है। तो आगे क्या कदम होने वाले हैं पुलिस के? अब इंटरनेशनल अब्रॉड के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो एमलेट या लेटर ऑफ रोगेटरीज या उसके अलावा जो इंटरपोल के थ्रू मैकेनिज्म है, वी विल बी यूजिंग दैट। साफ है कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है इंटरपोल की सहायता लेगी और उनसे जो है डिटेल शेयर करेगी। तो साफ है कि जिस तरह से मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में चौंका देने वाला है, क्योंकि हमस जो कि आतंकी संगठन है उसके अकाउंट में क्रिप्टो वॉलेट के अंदर पैसा जाना, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से खतरे की निशानी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। कंसर्न कपी के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।